छेड़छाड़ का विरोध करने पर समधी ने समधन की कुल्हाड़ी से तोड़े पैर। शिवपुरी जिले के रन्नौ थाना क्षेत्र के बेदबाऊ गांव में समधी ने अपने ही समधन के पैर कुल्हाड़ी से काट दिए। महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रन्नौ थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है। बताया गया है कि समधी ने अपनी समधन के साथ छेड़छाड़ कर दी थी, विरोध के बाद ये मारपीट हुई है। जानकारी के मुताबिक बेदमाऊ गांव में 2 रोज पहले महिला के साथ उसके समधी ने छेड़छाड़ कर दी थी। इस घटना को महिला के पति ने देख लिया था। इसके बाद महिला ने अपने पति को सारी बात बता दी थी। महिला के पति ने इसका विरोध अपने समधी से किया था। महिला के पति का कहना है कि रविवार की शाम में और मेरी पत्नी पशुओं को भूसा भरने के लिए जा रहे थे, तभी उसका समधी और दामाद दामाद के 2 भाई माता मंदिर पर आ गए थे। सभी के हाथों में कुल्हाड़ी और डंडे थे। समधी ने मेरी पत्नी से कहा कि तुमसे बात बताकर अच्छा नहीं किया और पीटना शुरू कर दिया था। मेरा दामाद और उसके 2 भाई मुझे पकड़ने दौड़े थे, लेकिन मेरी पत्नी की लाठियों से चारों ने मारपीट की, साथ ही उसके दोनों पैर पर कुल्हाड़ी से हमला बोल दिया। गांव में ही थी बेटी की ससुराल। जानकारी के मुताबिक घायल महिला की बेटी की शादी गांव के रहने वाले युवक से हुई थी। रन्नौ थाना प्रभारी अरविंद सिंह चौहान के अनुसार ये झगड़ा ससुरालियों द्वारा बेटी को परेशान करने को लेकर हुआ है। महिला समझाइश के लिए गई थी, तभी महिला पर हमला बोल दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। नवाब सिंह। अच्छा, कहाँ रहते हो? बेदमा। थाना कौन सा लगता है? रन्नौ। अच्छा, अभी जो आपकी घरवाली के साथ कुल्हाड़ी से जो हमला वमला हुआ, क्या कुछ घटना हुई थी आपको जानकारी? जानकारी ये है सर, जिनने दो एक दिन पहले मतलब औरत को झगड़ा मतलब छेट गए जी। कौन छेट गए? राय राम। काय को छेट गए? बाकी बेइज्जती करी। अच्छा, फिर जाके बाद में उसे कह दी औरत ने, तो भाई पतो लगो मैंने वहाँ से कही कि यार तुम मेरे संग में गलत काम कर रहा हो, तो बहाने लेकर नहीं औरत और दो जने बस भर में जा रहे रोड पर देवी के मंदिर के पास में, तो भी डर गया। कर गलत काम कर रहा हूँ मैंने? तुमने कह दिया? हाँ, क्योंकि तूने यार मेरी औरत को मतलब पकड़ ली। सही है, तो बहाने लेकर नहीं औरत से डांटी मेरी को। क्या नाम है आपकी घरवाली का? राम देवी। राम देवी। अच्छा, आगे क्या लिखते हो? गुर्जर। गुर्जर। हाँ, तो वहाँ मतलब भैया दवाई बोले तूने क्या कह रही? अच्छा, बोले मेरे आदमी ने मतलब देख ली, मैंने कह रही तो जाके बाद में वहाँ भैया को मतलब कुल्हाड़ी मार दी राय राम ने। और कौन कौन थे उसके साथ? बाकी मोड़ा है थे 3। हाँ, सबने चार तीन मोड़ा और एक बाप, 4 जन ने। तो आप वहाँ से भग गए? बदे बद भग गए, 50 आदमी देखो भगत आपको। हाँ, अच्छा, 1000 आदमी से मैंने कई गांव को आदमी कोई एक नहीं आओ, मैं अकेलो आदमी गांव में कोई आस पास को कोई नहीं आओ, दुनिया ने देखो, सबने देखा, पूरे गांव ने देखो। अच्छा, और मतलब कोई नहीं आओ बचा भी, मैं अकेलो आदमी। 4-5 बजे की है हमको। हाँ, तो शाम की घटना, फिर भी कोई नहीं आया बचा? नहीं, यहाँ घर घर सब आदमी गांव में है, तो और देख रहे थे 1000 आदमी देख रहा हो। तो आपकी घरवाली अकेली महिला अकेली फिर रही थी बीच रोड पे? बीच रोड पे खुलाइया दे रहा हो तो आली डार्क है। अच्छा। हाँ, बाकी पाँव देख लो, हाथ देख लो, फ्रैक्चर गोले काट रहा है वहाँ के। अच्छा। वो तो मरी छोड़ कर भाग गया, मैं खुद भाग गया, मुँह मार डालेंगे। अच्छा। तो मैं कमजोर आदमी अकेलो आदमी, मेरे पीठ पर नहीं है कोई ना भैया ना कोई, मतलब मैं अकेलो ही हूँ। पुलिस आ गई थी? पुलिस तो फिर मैंने फोन वोन लगाए जब आई है बाद में। अच्छा, हाँ।